वाइदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कॉमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कॉमेंट में बताएं। अच्छा, एक सवाल जो है ना मैं ज़रूर करूंगा आपसे, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से जो मिलिट्री और सिविल इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है। अभी इस हकूमत में अभी 2 साल होने को आए हैं, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमरान साहब और बाजवा साहब एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से मिलकर तय की जा रही हैं कि को हमें आपस में बड़ा इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। प्लानटा से लगे हुए हैं कि कुछ बातें फौज की मान ली जाती हैं, कुछ बातें इमरान साहब की मान ली जाती हैं और द थिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा आगे या अभी इसमें कुछ आप ये चलता रहेगा और आर्मी के अब भी शायद कोई मुतालबा होगा, आगे जो दिन आ रहे हैं मुमकिन है उनको कोई मुतालबा हो, कोई एक्शन लेना चाहें। बजाय प्लानट ये कह रहे हैं एन मुमकिन है इमरान साहब फॉलो करें, एन मुमकिन है इमरान साहब की बात सुन आर्गूमेंट से वो मुतमिन हो जाए। तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि दोनों में जा रही है, प्लानट एक दूसरे की वो सपोर्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, एक पिछले दिनों हमने देखा है प्रोफेसर साहब, भारत की तरफ से बड़ा एक अटैक हुआ, उनके मीडिया में भी कहा गया कि बलूचिस्तान में हम खून की नहरें बहा देंगे, आप कश्मीर में मदाखलत बंद करें वगरना बलूचिस्तान में ऐसा होगा, और बहुत ज़्यादा वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। फिर अफगानिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जो डील तालिबान की कराई, पाकिस्तान ने नेकनामी ली, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है, वो प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर, वो बदस्तूर बदस्तूर में प्लैनेट को देखते हुए जैसे कि वो सूरत हाल बनती जा रही है, तो ये वाजा नज़र आता है कि वी आर हेडिंग टुवार्ड्स वॉर, हम जंग की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सूरत हाल बनती जा रही है। अब इस मामले में डिफरेंस आ सकता है, मैं मुमकिन हूँ कि अगले साल ही जंग हो जाएगी, मेरा कोई और कबीले का भाई ये कहे कि पहले हो जाएगी या बाद में हो जाएगी, लेकिन वी आर हेडिंग टुवार्ड्स, हम उसी तरफ जा रहे हैं जंग की तरफ। और क्योंकि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों ज़ाहिर है यही कहेंगे कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए हर वक्त, और वो सूरत हाल बनी पड़ी है और ज़्यादातर वो सूरत हाल दिसंबर में नज़र आती है। अब दिसंबर के फौरन बाद आ जाए, अगर ये हो गया समीर साहेब तो ये मार्च 2023 तक जाएगा, फिर 2-2.5 साल बड़े टेंशन के आ रहे हैं, बड़े सख्त आ रहे हैं, और ये सूरत हाल जो आप खदशा जिसका आपने तस्वीर खींची है ये इसी तरफ जा रही है। जंग होगी, जंग का भी जंग के लिए तैयारी चाहिए। भारत जो है वो जो जिस अंदाज में चल रहा है पाकिस्तान पर कोई मुहिम जोई कर सकता है, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ जी, ये वादा नज़र आ रहा है ना सर, नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता क्या नज़र आ रहा है, मेरे जो सारे सियासी लोग हैं मुल्क के उन्हीं को पता होगा, लेकिन प्लानट वाजा ये कह रहे हैं कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, जो हम ये तो आपने बड़ी ऐसी बातें बताई हैं, वाकई एक ऐसी सिचुएशन है कि विजिलेंट रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। कौम वैसे तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है और फौज भी तैयार है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल बाजवा साहब को हम देखते हैं बहुत एक्टिवली वो बॉर्डर पर भी जा रहे हैं, पूरी जो हमारी जो एजेंसीज हैं पूरी निगाह उन्होंने रखी हुई है, खुली हुई है। ये अर्ज करूँगा कोरोना से भी ज़्यादा इंडिया की तरफ इंडिया के मामले को सोचें हम, इस हद तक आगे जो सिनेरियो बना पड़ा है हमें इस हद तक ये एहसास वो उसको महसूस करते हुए ये एहसास होता है कि आगे जो कुछ होने वाला है हमें कोरोना से ज़्यादा इंडिया की जो कुछ हरकतें हैं, जो कुछ साजिशें हैं, जो कुछ वो
आए दिन हमारे लिए मामलात खड़े करते हैं या आए दिन बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, ये इस बात को समझें कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड डिज़ास्टर। अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। और ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और तैयारी मुकम्मल ज़ाहिर है हमारे जो करता धरता है मिलिट्री वाले, उन्होंने तैयारी की हुई होगी, ज़ाहिर है। ये किस तरह हो सकता है।